Good evening everyone, this is Rajesh Sharian and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy. आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 क्लास 10th मैथमेटिक्स का ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस दिया जाता है पूरे चैप्टर का. अब एक्सरसाइज 3.7 पूरा चैप्टर 3 जो था वो आपका बेस्ड था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर, और एक्सरसाइज 3.7 का जो दो चार क्वेश्चंस है जो कि एज से रिलेटेड है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, एज वेल एज ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, वो सारे अच्छे टिपिकल क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनिल एंड बीजू डिफर बाई 3 years. दो बंदा है, एक अनिल है और एक बीजू है, दोनों के बीच में 3 साल के उम्र का अंतर है. अनिल के जो पिता है धर्म वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनिल. अनिल के पिता धर्म जो है वो अनिल से दोगुना बड़े हैं, और जो बीजू है वो अपनी बहन कैथी से दोगुना बड़ा है. ठीक है, अगर कैथी और धर्म के बीच में एज का 30 साल का डिफरेंस है तो आपको अनिल और बीजू का एज निकालना है. थोड़ा सा टिपिकल देखने में लग रहा है बट है बड़ा ही आसान. आपको किसका किसका निकालना, अनिल और बीजू का ना. तो मान लो आपने अनिल का उम्र ले लिया एक्स, कितना ले लिया एक्स ईयर्स. अब बोल रहा दोनों के बीच में 3 साल का डिफरेंस है, मतलब कोई ना कोई तो बड़ा है. तो मान लेते बीजू बड़ा है, बीजू का उम्र हो गया एक्स प्लस 3 ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि जो अनिल का फादर धर्म है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनिल, मतलब धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल. तो अनिल का एज कितना माने हमने एक्स, तो धर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बताया गया कि बीजू जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर है कैथी का, तो हम बीजू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एज ऑफ सिस्टर लिखेंगे. बीजू का उम्र हमको पता है एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू कैथी, तो यहाँ से कैथी का उम्र निकल जाएगा. कितना निकल जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, जो हो जाएगा एक्स प्लस 3/2. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैथी और धर्म के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 30 है. कितने का है, 30, मतलब दोनों के बीच में एज डिफरेंस 30 दिया हुआ, मतलब या तो कैथी बड़ा हो सकता है या तो धर्म बड़ा हो सकता है. तो दोनों हम लोग सिचुएशन को सॉल्व करके देखेंगे. तो जब कैथी माइनस धर्म इज इक्वल टू 30 कर रहे थे तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, कभी भी किसी का एज नेगेटिव नहीं होता. तो हम लोग क्या करेंगे, धर्म माइनस कैथी करेंगे, डी फॉर धर्म एंड सी फॉर कैथी. तो धर्म का एज 2x है, कैथी का उम्र एक्स प्लस 3/2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30, तो डिफरेंस मतलब ही होता है माइनस. टेक एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4x, और ये माइनस एक्स और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. 4x में एक्स चला गया तो 3x, माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा 32 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से. तो 3x इज इक्वल टू 60 + 3 दैट इज 63, एक्स इज इक्वल टू 63/3, 3 से कैंसिल होकर के 21 आ जाएगा. देयरफॉर अनिल का उम्र हमने x माना था जो कि 21 ईयर आया, बीजू का उम्र हमने x प्लस 3 माना था जो कि 24 आया. क्वेश्चन में ध्यान रखना कैसे मानना है, इसमें तुमको 6-6 रिलेशन दे दिया है, एक अनिल भी दे दिया, बीजू भी दे दिया, अनिल का बाप धर्म भी है, अच्छा बीजू की बहन कैथी भी है. तो आपको ध्यान रखना है जिसका भी एज निकालने बोला उसको एक्स वाई मानो. क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया फाइंड द एज ऑफ अनिल एंड बीजू, तो आप अनिल को एक्स मानोगे, बीजू को एक्स प्लस 3 इसलिए मानोगे क्योंकि दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है 3 साल का है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर आते हैं 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट रिलेवेंट, आपको हटा दिया गया, दैट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द करंट सिलेबस. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन जो है वो कोई निश्चित डिस्टेंस जो है किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, मान लो एक्स के स्पीड पे चल रहा है, तो लेट द स्पीड बी एक्स और जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं वाई. अगर ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर फास्टर चलता तो उसको 2 घंटे कम लगते पहुंचने में, और अगर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चलता तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो आपको डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ दो ही चीज़ हमको पता नहीं है, कि स्पीड पता नहीं है, एक डिस्टेंस पता नहीं है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया वाई किलोमीटर. ठीक है, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर चलेगी तो पुराना स्पीड था एक्स किलोमीटर, न्यू स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस 10 किलोमीटर. तो न्यू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू हमेशा होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस तो वाई ही है और स्पीड कितना है एक्स प्लस 10, तो न्यू टाइम इतना हो जाएगा. ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था, हाँ तो कहाँ थे, ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको ले लिया वाई, स्पीड को मान लिया एक्स.
अब स्पीड को जब एक्स मान लिया, डिस्टेंस वाई मान लिया, टाइम इज इक्वल टू, सबसे बच्चे का कंसेप्ट है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस को तुमने वाई मान के रखा है, स्पीड को तुमने एक्स मान के रखा, तो वाई बटा एक्स हो जाएगा ओरिजिनल टाइम। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर चले, सपोज दैट ट्रेन इज ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फास्टर, न्यू स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस 10। अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10। अब ध्यान समझ, अगर कोई भी ट्रेन फास्ट चल रही है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा, ठीक है, और ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा। तो तुम्हारे पास दो टाइम है, एक न्यू टाइम एक ओरिजिनल टाइम है। यहाँ ओरिजिनल टाइम बड़ा होगा माइनस न्यू टाइम, क्योंकि उसमें कम लग रहा, तो क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस 10। दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ये दे रखा है 2, तो वाई बटा एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या यूज़ करो एलसीएम मेथड। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 10 वाई माइनस एक्स वाई, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 10 वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। अब आ गया तुम्हारा 5, देखो इधर 10y था तुम्हारे पास और इधर कितना था 2x स्क्वायर प्लस 10x, 2 से कैंसिल कर दिया यहाँ 5 बार में, तो यहाँ आ गया 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर कम का स्पीड से चलता तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर से भाई ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, ओरिजिनल टाइम होता है वाई बटा एक्स। अगर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर कम का स्पीड से चल रही है तब टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस तो वाई ही है, स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस 10। अब बात आता है कि सर किसको किससे घटाए। अब समझो, जब ट्रेन स्लो चलेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, और उसके लिए टाइम ये वाला है, तो अब हम लोग y बटा x माइनस 10 को y माइनस x से घटाएंगे। कितने घंटे का अंतर दे रखा है, 3 घंटे का अंतर दे रखा है। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई LCM मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, 10y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 30x, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर 5y है, तो क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 50x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 50x हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू 50 आ गया। अगर x का वैल्यू 50 आ गया तो x का वैल्यू 50 इक्वेशन 1 में पुट करो और आंसर लाओ। तो x का वैल्यू यहाँ मान लो 50 पुट किया, तो 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 10x, तो x के जगह 50, 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा 500, 2500 और 500, 3000 इज इक्वल टू कितना हो गया 5y, तो y इज इक्वल टू 3000 बटा 5, यानी आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 60, ठीक है, 3000 बटा 5 नहीं आएगा, 5 नहीं है, हाँ 600 आएगा, सॉरी 3000 बटा 5 क्या आता है, 600 होता, तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 600 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी बी के तिगुना है और एंगल सी ए प्लस बी के दोगुना है, तो आपको तीनों एंगल निकालना। देख, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को एक्स मान ले, जैसे एंगल सी सबसे अकेला है तो एंगल सी को क्या मान लो, एक्स, तो एंगल सी को एक्स मान लिया, चलो काम हो गया। अब तुम पहला और दूसरा इक्वेशन को देखो, एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी दिया हुआ, एंगल सी के जगह एक्स पुट कर दिया 3 इंटू एंगल बी, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल बी हो जाएगा एक्स बाई 3। अब देख, पहला और तीसरा यानी एंगल सी बराबर 2 इंटू एंगल ए प्लस बी, तो एंगल सी को पहले ही एक्स मान के रखा है, 2 है एंगल ए पता नहीं है, लेकिन बी आ रखा है कितना, एक्स प्लस 3, तो एक्स इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एक्स बाई 3 हो जाएगा। अब एक्स एक्स एक तरफ करो तो एक्स माइनस 2 एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 2 एंगल ए हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो 3x में 2x गया तो x बाई 3 आएगा, x बाई 3 इज इक्वल टू 2 एंगल है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू x बाई 6। हमेशा समझना कैसे करना है, जो सबसे छोटा पार्ट है उसी को x मान लेना, अब उसके रिस्पेक्ट में पहला दूसरा इक्वेशन से एंगल b निकाल लिए और पहला और तीसरा का यूज करके हमने एंगल a निकाल लिया। अब एंगल ए बी सी तीनों एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया, देखो एंगल सी एक्स आ गया, एंगल बी एक्स बाई 3 आ गया और एंगल ए कितना आ गया, एक्स बाई 6। बच्चा बच्चा जानता है कि तीनों एंगल का सम
ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट कर एलसीएम ले लो। 6 × 3 = 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 कम 6 तो x, 3 × 2 = 6 तो 2x, 1 × 6 = 6 तो 6x इज इक्वल टू 180, 6x, 2x, 8x और x 9x by 6 is equal to 180, तो 9x is equal to 180 into 6, x is equal to 1 into 180 into 6 by 9, 9 से कैंसिल होके x का वैल्यू 120 आ गया। अब देखो x का वैल्यू 120 आ गया तो तुमको तीनों एंगल निकालना है बच्चों, एंगल a का वैल्यू सब जगह तुमको पता है, x x का वैल्यू पुट करते जाओ, a b c सारा आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों का ग्राफ बनाना है और वो ग्राफ के कारण जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसका तुमको वर्टिसेज लिखना है। देखो करोगे क्या, हमेशा ग्राफ का तुमको पहले पॉइंट्स प्लॉट करना पड़ता है। मान लो पहला इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, डब्बा बनाओ, हमेशा पहले x का वैल्यू 0 रखो, उसके बाद फिर y का वैल्यू 0 रखो, ठीक है। तो जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पुट किया गया, ये x पूरा 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 5। उसके बाद फिर क्या करो, पूरा y को ही 0 पुट कर दो, खत्म। तो 5x बराबर 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ये दो वैल्यू ले लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो देख दोनों का पॉइंट आ गया ना, पहला का भी पॉइंट आ गया, दूसरा का भी पॉइंट आ गया। ग्राफ लो और जा कर के प्लॉट करो, इधर ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब प्लॉट करोगे तो ऐसा करके कोई लाइन आएगा। अब ये लाइन में तुमको ट्रायंगल एक बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा गधो तो देखो हम दिखाते हैं, ये तुम्हारा ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी का कोऑर्डिनेट लिखने बोल रहा है। तो देख लेना इसका ये कितना वैल्यू आ रहा है, इसका एक्स वाई का वैल्यू, इसका एक्स वाई का वैल्यू देख लेना, इसका एक्स वाई का वैल्यू देख लेना, अपना ही आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप में भेज देना, बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन है, बोल रखा है कि अगर एंगल बी ए बी सी डी ऑपोजिट जो कॉर्नर्स पर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर, तो आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। तो आपने क्लास 9th में ही एक थ्योरम पढ़ा होगा दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत लोगों तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पता नहीं होगा, देखो किसको बोलते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करें, सर्कल के कहाँ पर लाई करें, सरकमफेरेंस पे, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल होता है इसी के चारों पॉइंट पे लाई करेगा, उसी को हम लोग बोल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा उल्टा उल्टा 180 डिग्री होगा सम, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए का वैल्यू कितना दे रखा, 4y प्लस 20, सी का वैल्यू कितना दे रखा, माइनस 4x। तुम क्या करोगे, 4y प्लस 20 प्लस माइनस ऑफ 4x ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4y प्लस माइनस 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 4x, अच्छा ये प्लस 20 इधर जाके माइनस 20 हो जाएगा, तो 180 में 20 गया तो 160, 4 कॉमन ले लो, तो y माइनस x इज इक्वल टू 160, 4 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस x इज इक्वल टू 40। अब एंगल B प्लस D भी 180 डिग्री होगा, B का वैल्यू कितना दे रखा है, B का वैल्यू दे रखा है 3y माइनस 5, D का वैल्यू दे रखा है माइनस 7x प्लस 5, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, B का वैल्यू पुट कर दिया, D का वैल्यू पुट किया, तो 3y माइनस 7x माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। अब दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस 15 डिग्री। आई होप आप लोग को एलिमिनेशन मेथड आया, 5-6 लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि x y का वैल्यू कैसे कैसे लाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। अच्छा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू माइनस 15 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 25। अब तुमको सारा एंगल निकालना, तो a b c d का वैल्यू तुमको पता ना, a का वैल्यू 4y प्लस 20 है, तो y का वैल्यू पुट करो, यहाँ भी y का वैल्यू पुट करो, यहाँ x का वैल्यू पुट करो, यहाँ भी x का वैल्यू पुट करो, आपका a b c d सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क यही है, कंप्लीट दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 टिल 9 PM। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।